उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है, वो हथियार है ईवीएम, वो हथियार ईवीएम है। ईवीएम के बारे में मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है मेरे पास में है। घोटाला पकड़ने वाली मशीन है पेपर ट्रेल, ईवीएम का घोटाला पकड़ने वाली मशीन है पेपर ट्रेल। ये 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जजमेंट दिया। अभी सारे देश भर में जो चर्चा मीडिया के द्वारा कर रहे हैं, मीडिया वाला चर्चा केंद्रित कर रहा है, वो देश के लोगों को गुमराह कर रहा है कि ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है, ईवीएम हैक होती है या नहीं होती है। मीडिया इस मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि ईवीएम हैक होती है। जजमेंट लिखा हुआ है, मेरे पास से जजमेंट ले लेना जिसको भी चाहिए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का आदेश दिया और कहा केवल ईवीएम मशीन के आधार पर फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, पेपर ट्रेल मशीन से जो कागज बाहर निकलता है उस कागज की गिनती होनी चाहिए, ऐसा जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वी हैव ऑलरेडी हाईलाइटेड दैट वीवीपीएटी इज अ सिस्टम ऑफ प्रिंटिंग पेपर ट्रेल व्हेन द वोटर कास्ट इज वोट इन एडिशन टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द बैलेट फॉर द पर्पज ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ हिज चॉइस ऑफ ए कैंडिडेट एंड ऑल्सो फॉर मैनुअल काउंटिंग ऑफ वोट्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट। मैनुअल काउंटिंग ऑफ वोट्स, ईश्वरी साहब क्योंकि आप जुडिशियरी के हैं, मैनुअल काउंटिंग का ऑर्डर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने 8 अक्टूबर 2013 का। ये जो जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन केस ऑफ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट कैसे शुरू होता है, रिजल्ट आ गया, हारने वाला कैंडिडेट एप्लीकेशन लेके गया, मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग किया जाए, हो गया डिस्प्यूट शुरू। डिस्प्यूट कैसे शुरू होता है, रिजल्ट आ गया, हारने वाला कैंडिडेट एप्लीकेशन लेके गया, मुझे रिजल्ट मंजूर नहीं है, रिकाउंटिंग किया जाए, हो गया डिस्प्यूट शुरू। हमने 500 जगह चुनाव आयोग के रिजल्ट के विरोध में कैंडिडेट के द्वारा एप्लीकेशन करवाया, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। हमने एप्लीकेशन किया कि मैनुअल काउंटिंग होनी चाहिए, चुनाव आयोग ने मैनुअल काउंटिंग करने से इनकार कर दिया। उसका एविडेंस लेकर मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में 18 तारीख को मेरी हियरिंग थी, चुनाव आयोग ने वकील नहीं भेजा, तो जो चीफ जस्टिस के कोर्ट में भी केस थी वो बहुत गुस्सा हो गया। उसने कहा कि केस पर तो आपने जवाब नहीं दिया, चुनाव आयोग को कहा वकील क्यों नहीं भेजा, 24 घंटे में जवाब दिया जाए, और रिटर्न ऑर्डर दिया 18 तारीख को। 19 तारीख को चुनाव आयोग का वकील हाजिर हुआ, ये क्यों नहीं हुए हाजिर, कहा कि मेरे परिवार में मौत हो गई थी। तो चीफ जस्टिस ने कहा जूनियर लॉयर को भेज देते ये बताने के लिए कि मेरे परिवार में मौत हो गई, वकील कुछ भी नहीं बोला, चुप रहा। चीफ जस्टिस को विश्वास नहीं हुआ कि ये वकील सच बोल रहा है, उसने दोबारा ऑर्डर दिया ये जो आपके परिवार में मौत हो गई ये हलफनामा दाखिल करके कहिए। उसने एक दिन के गैप में हलफनामा दाखिल किया वकील ने चुनाव आयोग के, और लिखा नहीं मरा नहीं बीमार था। चीफ जस्टिस के कोर्ट में चुनाव आयोग का वकील झूठ बोल रहा है, क्या मतलब है इसका, मतलब है चुनाव आयोग ईवीएम के संबंध में जो देश में कंस्पिरेसी हो रही है उसमें चुनाव आयोग शामिल है। मैं विरोधी पार्टी के लोगों को आप लोगों के द्वारा यह अनुरोध करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन से जो कागजी मतपत्र बाहर निकलता है, अगर कोई कैंडिडेट रिकाउंटिंग की मांग करता है तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए, ये मांग करे विरोधी पार्टी, और अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत पाएगा।